हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस चैनल में, जहां हम इंटरेस्टिंग तथ्यों के बारे में जानकारी लेंगे, जिनमें हमारा सबसे पहला टॉपिक है ग्रेट बैरियर रीफ। आखिर क्या है ग्रेट बैरियर रीफ, किस से बनी है, क्या है, इन सब के बारे में हम जानकारी लेंगे आज। ग्रेट बैरियर रीफ विश्व की सबसे बड़ी मूंगे की दीवार है। यह जीवों द्वारा बनाई गई विश्व की सबसे बड़ी एकल संरचना है। मूंगा जिसे कोरल भी कहते हैं, यह नन्ना समुद्री जीव है। ये निडारिया संघ का प्राणी है, जो लाखों करोड़ों की संख्या में एक समूह में रहते हैं। ये प्रवाल भीतियां बनाते हैं। प्रवाल भीतियां यानी कि इनकी बस्तियां जिनमें ये रहते हैं, जो इन जीवों द्वारा छोड़े गए कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है। इन्हें संख भी कहते हैं। जब ऐसे हजारों लाखों और नन्हे बेहद संख एक दूसरे से चिपक कर समूह में बनते हैं, तो उस समूह की शक्ति और स्पर्श लगभग पत्थर जैसा हो जाता है, जो एक चट्टान का रूप ले लेती है। मूंगे की चट्टानों में पाए जाने वाले जीवधारी ऐसी भौतिक संरचनाओं का निर्माण करते हैं जो बेहद खूबसूरत दिखाई देती है, जिन्हें देखकर कोई भी हैरान रह जाता है। इसे पानी का बगीचा भी कहते हैं। पूरी दुनिया में मौजूद मूंगे में से एक तिहाई मूंगा इसी ग्रेट बैरियर रीफ में पाया जाता है। यहाँ पर बहुत सारे विलुप्त प्रजाति के जीव पाए जाते हैं। यहाँ पर समुद्री कछुओं की 7 प्रजाति और 30 प्रकार की स्तनधारियों की प्रजाति पाई जाती है। यहाँ करीब 1500 प्रजाति की मछलियाँ पाई जाती है, जो देखने में बेहद खूबसूरत होती है। यहाँ पर 630 तरह की स्टार फिश और समुद्री अर्चिन पाई जाती है। यहाँ पर चिड़िया की 215 प्रजाति और सी बर्ड की कई सारी प्रजातियाँ पाई जाती है। यूनेस्को द्वारा इसे विश्व धरोहर घोषित किया गया है। इसकी खोज सन 1770 में जेम्स कुक द्वारा की गई। ग्रेट बैरियर रीफ का आकार की अगर बात करें, तो यह तस्मानिया द्वीप से लगभग 5 गुना बड़ा है। इसके अंदर करीब 2900 चट्टाने और 940 छोटे बड़े द्वीप समाये हुए हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना विशाल होगा। रीफ को सन 1981 में यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया था। और इसी तरह CNN ने भी ग्रेट बैरियर रीफ को दुनिया के 7 अजूबों में शामिल किया था। चैनल में दिखाए गए वीडियो से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी सुंदरता कितनी अद्भुत होगी। इसमें विलुप्त प्रजाति के जीव जो दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलते हैं, वो इस ग्रेट बैरियर रीफ में देखने को मिल जाएंगे। यही कारण है कि दुनिया भर के लोग ग्रेट बैरियर रीफ देखने आते हैं। और एक रिपोर्ट के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया को हर साल इससे करीब 55 अरब डॉलर का मुनाफा होता है। हालांकि जलवायु परिवर्तन से, प्रदूषण आदि से ये नष्ट हो रही है, और अनुमान है कि 2050 तक ये पूरी तरह नष्ट हो जाएगी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया सरकार इसे बचाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। 28 जनवरी 2022 को ऑस्ट्रेलिया सरकार ने इसकी रक्षा के लिए एक योजना भी लॉन्च की। अगर भारत में मूंगे की चट्टानों की बात करें, तो मन्नार की खाड़ी उत्तर में रामेश्वरम से लेकर दक्षिण में तुत्तिकोरिन तक स्थित 20 द्वीपों में प्रत्येक के किनारे मूंगे की चट्टानें पाई जाती है। इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप आदि जगहों पर भी मूंगे की चट्टानें देखने को मिलती है। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं, और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय निकालने के लिए। वीडियो कैसा लगा है और जानकारी कैसी रही, कमेंट में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।